इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन टू स्क्रैप यूपी, देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसाज हैं उसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछले महीने की बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था कि जो मदरसाज हैं यूपी के अंदर उसको बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है, उन्होंने इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जजमेंट पर रोक लगा दी है। ये आप खबर देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट स्टेज इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर स्क्रैपिंग यूपी मदरसा लॉ। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये कानून है क्या, इसके अंदर क्या आता है, उत्तर प्रदेश में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पिटीशनर से क्या कहा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अगर आप 2025 का बैच लेना चाहते हो या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट होने वाला है। आपके पास मौका है कि आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी बैच और कोर्सेज पर स्टडी आईक्यू के। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, पिछले महीने की बात है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट था वो अभी के लिए मान नहीं होगा, मतलब कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था उत्तर प्रदेश में जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसके ऊपर रोक लगाई गई है और वो अभी के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। मतलब अभी जो पूरी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगी, ये एक इंटरिम रिलीफ है, ध्यान में रखिएगा। और पिछले महीने जो मैं आपको बता रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि जो मदरसा में मदरसा बोर्ड के अंदर जो भी फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम्स वगैरह होती, मतलब कि जो भी सिस्टम चल रहा था उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उनको फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम के अंदर लाना चाहिए। मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार को बोला गया कि करीब 17 लाख के आसपास जो बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसाज में, उनको आप शिफ्ट करके जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम होता है ना, जो एक आप देखते होगे बचपन से, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आप पढ़ते हो, उसके अंदर आपको शामिल करना चाहिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए अभी के लिए सारी चीजें कुछ भी नहीं की जाएंगी, मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट नहीं आ जाता इसको लेकर, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पूरा जजमेंट था उसके ऊपर स्टे लगाए। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह है कि आखिरकार ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट ये है क्या। देखो 2004 में इसको लाया गया था और कोशिश इसके अंदर ये थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है मदरसास के अंदर उत्तर प्रदेश में उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया जाए। और इसमें यह बोला गया कि वो सारे एजुकेशन शामिल होंगे जो कि अरबिक में, उर्दू में, पर्सियन में, इस्लामिक स्टडीज़ में जो पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अभी आप देखोगे करीब 25,000 के आसपास मदरसाज आपको देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है वो आपका सिर्फ 16,500 को ही रिकॉग्नाइज करती है और जो बाकी के 8,500 मदरसाज हैं उत्तर प्रदेश में वो अनरिकॉग्नाइज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें से भी मैं आपको बता दूं ये जो 16,500 रिकॉग्नाइज हैं इसमें से करीब 560 मदरसाज ऐसे हैं जिनको सरकार खुद ग्रांट देती है, पैसे प्रोवाइड करती है डायरेक्टली। और इसमें टोटल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करीब 17 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है उत्तर प्रदेश में उसमें यहां पर अलग अलग डिग्रीज दी जाती हैं। जैसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट करते हो फॉर्मल सिस्टम में तो आप उसको अंडर ग्रेजुएट कहते हैं यूजी, तो यहां पर इसको कामिल कहा जाता है। वैसे मदरसा में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसको फजिल कहा जाता है। इसके अलावा डिप्लोमाज वगैरह भी होते हैं जिसको कारी कहा जाता है। फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह जितने भी चीजें प्रोवाइड करनी है वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके अलावा क्लास 10 हो गया मौलवी, क्लास 12 हो गया आलिम, ये सारे कोर्सेज भी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे सीबीएसई कंडक्ट करती है क्लास 10th और 12th का, उसी प्रकार से जो बोर्ड
बोर्ड है, मद्रासा एजुकेशन बोर्ड, वो कंडक्ट करता है। और इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर कौन कौन से बुक्स होंगे, टेक्स्ट बुक क्या होगा, कोर्सेज क्या पढ़ाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें मद्रासा एजुकेशन बोर्ड जो है तय करता है, जो कि 2004 में इस एक्ट के तहत बनाया गया था। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर कर दिया। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया था और कहा गया था कि जो यूपी मदरसा बोर्ड है वो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका एक कई सारे कारण बताए गए। जैसे पहला ये बोला गया कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इस केस में जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इसको कंडक्ट करता है। फिर इसके अलावा ये बोला गया कि जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये वॉयलेट करता है। कैसे? आपको पता होगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, आर्टिकल 14 से लेकर स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको पता होगा आर्टिकल 21A, एक्चुअली क्या है आर्टिकल 21 जो है, ये तो आपका राइट टू लाइफ है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आपको याद होगा राइट टू एजुकेशन लाया गया था, मतलब कि एजुकेशन सबके लिए लाया जाए, इसके लिए 21A का जो प्रोविजन है वो ऐड कर दिया गया था, जिसमें बोला गया कि 14 साल तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन भारत में दिया जाएगा, क्लास 8 तक कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बोला जा रहा था पेटिशनर्स के द्वारा, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो मदरसाज हैं वो यूनिवर्सल और क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, और इसी की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है स्टूडेंट्स का वो वॉयलेट होता है। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और कहा कि ये सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है ये, और इसीलिए ये आपका कैंसिल कर दिया गया था। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होने लग गई, आपको पता ही है। फाइनली यहाँ पर पेटिशनर्स की तरफ से एक पेटिशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था उसके खिलाफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो अभिषेक मनु सिंघवी काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में है। तो अभिषेक मनु सिंघवी पेटिशनर्स की तरफ से फाइल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो भी जजमेंट आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये गलत है, यहाँ पर कैंसिल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ बोला गया कि इसकी वजह से 10,000 जो मदरसा टीचर्स हैं और जो 17,00,000 स्टूडेंट्स हैं वो संकट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कहना कि मदरसा के अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता ये गलत है, और यहाँ पर इसको हमें बाकी चीज़ों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक बच्चों और टीचर्स का सवाल है, हम उनको ऑलरेडी धीरे धीरे करके जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इंडक्ट कर लेंगे, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने ही यहां पर जो हाईकोर्ट का जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का उसका सपोर्ट किया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला कि हम चाहते हैं कि इसको लेकर फर्दर डिबेट हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट के पक्ष में थी, उनका कहना था कि जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है वो सही है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहा। देखो, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये सोचना कि मदरसाज जो हैं वो सेक्युलरिज्म को ब्रीच करते हैं ये कहीं ना कहीं सही नहीं लगता, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पर्पस था वो रेगुलेटरी नेचर होना चाहिए, और इसीलिए हम इसके ऊपर स्टे लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजों की जो बेंच है जिसको लीड किया जा रहा था भाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर। और साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो प्रोविजन्स हैं 2004 के मदरसा एक्ट के उसको एक तरह से मिसकंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जो 2004 का एक्ट था वो एक तरह से रेगुलेटरी इन नेचर है। तो अब देखना होगा दोस्तों, अल्टीमेटली जब पूरी प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फाइनल डिसीजन क्या आता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है, होल्ड पर डाला है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को। अब जब सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्चुअल में इसको बैन करता है या फिर जो पूरा डिसीजन था इलाहाबाद हाईकोर्ट का उसको पलट देता है। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो, ऑल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज राइट्स एनश्राइंड इन विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ऑल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में है, वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बाकी अगर भाई अपने दिल की बात करो ना, तो कुछ इस तरह के कानून आने चाहिए, पास करना चाहिए कि नींद की तलीम भी होती रहे और साथ में भाई साहब स्कूल की जो बुनियादी निजाम ही चलता रहे, निजाम जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। आजकल के दौर में देखा जाए सिर्फ मदरसा में पढ़ने से ना तो कोई बंदा नौकरी कर सकता है, कोई है नौकरी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। हमारे मुल्क में काफ़ी ऐसे मदरसे हैं जिनके अंदर स्कूल की तलीम दी जाती है और उनका जो इम्तहान है वो भी दवाए दिलाए जाते हैं और साथ में दीन की तलीम दिलाई जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अक्सर ना कई बच्चे जाते हैं ना जो मदरसा में पांचवी क्लास तक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद वो मदरसे चले जाते हैं, हिफ्ज करते हैं, फिर वो क्लास में उनको दाखिला मिल जाता है, क्योंकि जो कुरान कर लेता भाई वो उनकी हाफजा, उनकी हाफजा बहुत तेज होता है, याद करने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मुंह जबानी याद करने की। लेकिन बात जहाँ पे ये भाई साहब के वो कुरान उसने रटा तो होता है, लेकिन कुरान में क्या होता है उसको मोस्टली ये नहीं पता कि कुरान में लिखा हुआ क्या, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अगर भाई जरा जो बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है ना वो तर्जुमा भी पढ़ सकता है, जो कुरान तर्जुमा तो तर्जुमा भी पढ़ देता है, पता होता है कि कुरान का मैं जो लफ्ज आयत पढ़ रहा हूँ किस पारे में है कौन सी, वो तो आगे कोर्स आ जाते हैं ना, तो कोर्स वो भाई वीडियो में क्या सर बता रहे थे कि कोर्स होते हैं, तो यही तो भाई सारा कुछ वो सिखाते हैं, तब जाके कोई आलम फाजल बनता है, कोई मुफ्ती आलम बनते हैं भाई। अब 17 लाख ही आलम फाजल बनाने हैं, जो पढ़ेंगे भाई वो ही बनेंगे, जो जो बीच में छोड़ भी तो देते हैं ना, ये भी तो होता है। अभी पता चला भाई साहब के ये हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो पिछड़े हुए क्यों है, वो आज बैकवर्ड क्यों है, इसी वजह से वो मदरसा पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे गांव वाले एरिया की बात करें ना, जो खास तौर पर गरीब तबका है वहाँ पे लोगों की आज भी भाई पता क्या सोच होती है, हालांकि काफी बेहतर भी हुई है, लेकिन आज भी कई जो पुराने देर के मालक है ना उनकी सोच यही है, बच्ची है भाई कुरान पढ़ रही है, नमाज आती है, कुरान आता है, बस ठीक है, ऐसा ही है ना भाई साहब। जब ऐसे वालदैन की गलती बच्चे के लिए वालदैन को चाहिए तो साथ दीन नहीं तो साथ भी गलती है ये बन चुका है ना भाई साहब, ये सिस्टम तो इसको ठीक किसने करना है, अब ये जो सरकार ने करना है। और एक सच्ची बात बोलूं भाई, मौलवियों ने ये बिजनेस बना रखा है दीन के नाम, सियासतदानों ने कोई बिजनेस नहीं बनाया हुआ, सियासतदानों ने बनाया हुआ और किसी इदारे ने कोई बनाया हुआ, मौलवियों का भी मैं यकीन मानो यही भी होंगे है भी मानते हैं कि इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साथ में भाई जो गवर्नमेंट होती है जो इदारे होते हैं वो भी मुलव्वस होती है। यहाँ पर अगर यूपी सरकार भाई साहब बच्चों को डेवलप करने के लिए मुसलमानों के बच्चों को आगे लाने के लिए जदीद तालीम देना चाहते हैं ना, अच्छी बात है तो अच्छा है, और अगर सिर्फ मुसलमानों को देखकर टारगेट किया जा रहा तो फिर बुरा, फिर हिंदुओं की इबादत है ना, फिर जो हिंदुओं की इबादत जो बच्चे हिंदी सीखते हैं जो उनकी दीनी किताब है वो भी बैन होना चाहिए, उनको भी नहीं सीखना चाहिए अगर मुस्लिम नहीं सीखते, स्कूल में भी सीख सकते हैं, ये स्कूल में कुरान की तालीम होती है, स्कूल में कुरान की तालीम भाई नहीं होती थी, इमरान खान के दौर में कुरान होती है, हम पढ़ते हैं नहीं तारक कभी पढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कौन सा आप कब तक स्कूल कितना पढ़े हो, इसमें कभी आप मुकम्मल कुरान पढ़ा है, कितने पारे आपने पढ़े बता मुझे, वो मुकम्मल स्कूल में कुरान पढ़ा आपने, यार आप पढ़ते रहे यार स्कूल में कभी भी कुरान की तरह मुकम्मल नहीं पढ़ा रहा है, खूब तो इसका मतलब कोई एक स्टूडेंट पूरे गांव में लिखा जो स्कूल में कुरान पढ़ गया हो, कुरान पढ़ने के लिए घर थोड़ा है, तो वो ही आप कहीं किसी के घर जाके पढ़ते रहे हो, और यार तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन स्कूल में तो नहीं ना पढ़ा भाई, तो स्कूल में जरूर जाके पढ़ना है, घर पढ़ी जा सकती, स्कूल में जरूर जाके अरबी का एक पीरियड नहीं होता था, तो अरबी का पीरियड का मतलब ये है कि उसमें कुरान मुकम्मल पढ़ाते हैं, यार अरबी सिखाना है, जब आप अरबी सीख लेंगे तो देखकर पढ़ नहीं सकते, तीस पारे कुरान के वो पढ़ाए जाते हैं जी, बात ये बता रहा हूं। अच्छा मेरी बात सीखना ऊपर से देख के पढ़ना ही सीखना होता है ना, बिल्कुल पढ़ना होता है, अरबी तुम स्कूल में सीख रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी हो तो अच्छा कोई मुझे वही तो मेरा सवाल है, पूरे गांव में नजर दुड़ा ले, अब भी बच्चे पढ़ने वाले गांव में कोई एक बच्चा बता दे जो स्कूल में अरबी पढ़ता है, ये वैसे ही झूठ बोल रहा है, किसी ने सीखी है, पूरा सिलेबस है, सब्जेक्ट है, लेकिन कोई टीचर नहीं पढ़ाते,
और उसमें मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं शामिल किया हुआ है, लेकिन बच्चे कुरान मस्जिद में पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते। स्कूल में वो तो ट्रेंड बनाया हुआ है ना, स्कूल की तालीम होती है, मौलवियों को तनख्वाह भी तो देनी है ना, तो वो भी फ्री में काम करते हैं, सारी उम्र पढ़ के टीचर को क्यों देते हो दगा, टीचर को क्यों दगा देते हो, दीन का काम है भाई। फिर कहते हैं कि टीचर पढ़ लिख के आता डिग्री लेके आता तो ये जो मुफ्ती होती है ऐसे नहीं बन, तू मैं तीनों क्यों नहीं मुफ्ती आलम बने, लेकिन कुरान हम क्यों नहीं बने, कुरान पढ़ा, लेकिन उनको भी डिग्रियां मिली है तो मुफ्ती बने हैं यार। फिर टीचरों को भी तनख्वाह ना दे, नहीं है टीचर दुनियावी सिखाते हैं, जो मुफ्ती आलम बनते हैं उनको डिग्री मिलती है, नमाज पढ़ाते हैं वो अच्छा, ये कुरान अच्छा यूसुफ का ना, यूसुफ की छोड़ो बात भाई, मैं समझाता हूं, ये जो यूसुफ जी का करा ना, जो सिर्फ मदरसा से पढ़े थे ना टीचर, कोई साइंस की बात कर दो ना, तो उन्होंने कहना नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं। वो याद था रे, सारा सिखाते हैं भाई, ये समझ लो आप मुझे तो मेरे कितनी भी होने कोड़ा दिन का बंदा, एक पढ़े लिखे बंदे की सोच में और अनपढ़ बंदे की सोच में फर्क नहीं है, कौन अनपढ़ है, जो पढ़ते मुदरसे में चार से ज्यादा लायक है वो, कौन सा सारी दुनिया को जानते हैं बहुत लेकर नीरज मगर कुरान। अच्छा जी मैं वादा बताता हूं, है हजारों की तादाद में अली मोहम्मद खान पीटीआई का एक शख्स है, MNA अभी जीता, वो हाफ़िज़े कुरान है, हाफ़िज़े कुरान है, उसने कंट्री को उसे ये पता, उसे दीन का भी पता है, उसे दुनिया दीन का नहीं पता है, आप कह रहे हो जो बंदा पढ़ता है कुरान उसको साइंस का पता ही नहीं, टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं, वो सिर्फ उसको सारा पता है, वो हाफ़िज़े लाखों की तादाद में बंदे हैं, सारा पता है, लेकिन हाफ़िज़ करने के बाद उसने दुनियादारी और साइंस का इल्म सीखा है, तो मेरा भी ये भाई मतलब है कि जो मदरसे बनते हैं वो हिफ़्ज़ तक महदूद रह जाता, क्यों रहे ना, उसके बाद की गलती अगर हिफ़्ज़ के बाद ना पढ़ाए, ये तो बात है भाई। अब एक लड़का मारा साउथ कोरिया में, तो नहीं ना मदरसा, एक लड़का मारा साउथ कोरिया में गया है, वो बच्चा पांचवी में छोड़ के हिफ़्ज़ करने, दो साल में हिफ़्ज़ किया, वो इतने ज्यादा नंबर ले, मतलब टॉप करता रहे जब तक पढ़ता रहा, इसके बाद पता है भाई साहब आज उसको जीन के बना पाकिस्तान के टॉप के इदारों में पढ़ता रहा, सुपीरियर कॉलेज फिर UET, तो भाई तो वहां जाने को सोच रहा है ना, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में फिर उसकी जॉब हुई, वहां से वो साउथ कोरिया गया है, तो ऐसे ना कह के मदरसे से निकल के गया, मैं कह रहा हूं गलत बात है, रिश्ता पढ़ के उसके वालिदैन ने कुछ इतनी मुस्कुराई ना, तेज हुआ मदरसे में ये मैं, तो फिर यही तो मैं कहता हूं खेलता रहा भाई फुटबॉल, अगर वालिदैन जो होते हैं मदरसे से पढ़ के बच्चा निकले, वालिदैन स्कूल की ड्रीम दुनियावी ना दिलाए, और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, अभी तो वो साउथ कोरिया में है ना, जब वो हमारे पास होता था मदरसे वालों को गाली निकालता था, मदरसे में खुदा की कसम गाली निकालता था, खुद मदरसे में पढ़ के आया तो गाली निकाल रहा है, अंदर की बातों को तो ही गाली निकालता, अंदर की बातें यार, अब अंदर की बातें दूसरे इदारों में नहीं होती, स्कूल में नहीं होते, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होते, और एक इदारा बदनाम है, यूनिवर्सिटी में गंदगी नहीं फैली हुई, लेकिन भाई साहब स्कूलों में गंदगी नहीं फैली हुई यार, और तो स्कूल इंडिया में मुझे बताया या पाकिस्तान में गंदगी नहीं फैली, क्या टीचर बेअदबी नहीं करते, क्या टीचर बदफैली नहीं करते इंडिया पाकिस्तान में, तू एक मदरसे को आगे रखा, यहाँ पर सिर्फ महदूद नहीं होना चाहिए, टीचर भी दलील इंसान, कई लोग हैं टीचर वो भी दलील होते हैं, एक मदरसे के पीछे आप पड़ गए, अच्छा दुनिया की तरफ तू यही बता दे, तू मैं अपने बच्चे मदरसे नहीं क्यों नहीं भेज रहा, मेरा बच्चा मेरे गांव में, मेरा अब दिखाएगा कमीना पर, मेरा मेरे गांव में, मेरा बात मेरी सुन ले, मेरे गांव में मेरा कारी हाफ़िज़े कुरान है, एक आला मैं बहुत के साथ पढ़ा रहा हूं उसके पास, तो मेरा बच्चा हिफ़्ज़ कराऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा सिपाहे पे ग्रामे पढ़ गया है ना, भैया ने बच्चों को निकाल कर प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, तो गांव के स्कूल में भाई तालीम ही नहीं है, तो यही बात है, गांव में तालीम ही नहीं है, यही रोना रो रहे हैं हम भी, गांव में तालीम ही नहीं है, गवर्नमेंट की फेलियर है, और तू समझ नहीं रहा है, गवर्नमेंट का फेलियर है, हमारे स्कूल में तालीम ही अच्छा टूटा हुआ है, टीचर होने के बावजूद तालीम नहीं है, भाई साहब जदीद कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, यकीन माने बहुत अच्छा, मैं अपने बच्चे को हाफ़िज़े कर बना रहा है, पैदा हुआ था मैंने वादा किया था मैं बच्चे को आपने कुरान भी पढ़ाऊंगा और दुनिया भी तरीम भी दिलाऊंगा और दिला रहा हूँ, मदरसे में भेजना चाहिए था, क्यों स्कूल में भेजा, तो भाई ये बकारी मेरे मुल्क गांव के अंदर है, वो आलिम बंदा है, वो पढ़ा रहा है मेरे बच्चे को, कायदे पे लगा हुआ इंशाल्लाह सपारे पे लग जाने थोड़ी देर बाद, पहला सपारा पड़ेगा उसका उसका होनी चाहिए, तो मैं तुझे पहले बता चुका हूँ, मदरसे जब बच्चा पढ़ जाता है ना आलम बन जाता है, उसके वालिदैन को उम्र गुजर जाती है वो खत्म हो जाता है, चार पांच साल जो गोल्डन टाइम होता है, भाई
जो बच्चा स्कूल से निकल के पांचवी क्लास से निकल के बैठ जाता है मदरसा पढ़ता है, दो साल तीन साल में पढ़ लेता है, हिफ्ज़ कर लेता है, बाद में दुनियावी तरीम हासिल करे, अगर उसके वालदैन नहीं करवाते तो वालदैन का कसूर है। आज जो है वर्ल्ड की जो टॉप जो कंपनी है उनको कौन चला रहे हैं, आईआईटी से निकल कर चला रहे हैं, कई लोग जो हजारों की तादाद में बच्चे जो मेरा भाई इंजीनियर बने हैं, जो पुरानी में पहले किया बाद में दुनियावी तरीम कर रहे हैं, आज इंजीनियर बने हुए हैं। अगर उनको जदीद किया जा रहा है तो भाई बहुत बढ़िया, यूपी गवर्नमेंट कर रही है, मैं तो भाई खुश हूँ। और जो ये यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है पिछड़े हुए भी है और ताकतवर भी है, बंद करना योगी का मिशन है, कर दो बंद, मुस्लिम को नहीं पढ़ने देना, क्योंकि ये पढ़ लिख ना जाए इंडिया के अंदर, ये ना सिर्फ हिंदू ही पढ़े, मुस्लिम ना पढ़े इंडिया में, बस ये मिशन है। योगी आदित्यनाथ मोदी ये बीजेपी की सोच ही नजरिया ये है, आज तो बैन किए ना सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी थोड़ा सा रोका, कल को देख लेंगे रिपोर्ट आ जानी है, बैन कर देंगे, लिख ले मेरी बात, उनको बैन करेंगे। अच्छा तेरा कहने का मतलब है वो मुसलमानों को मदरसे से निकाल के हिंदुओं को डालेंगे, वो अपनी दीन की तालीम देंगे तो और क्या करेंगे, वो ही करेंगे, अपने मुल्क में सिखाएंगे जो कुछ है, सही है भाई, ठीक है भाई, इतनी आती है हम जानते हैं, ठीक है भाई, हर रोज मीडिया बताती है, ठीक है भाई, मिलते रहे, मीडिया के साथ तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।